गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है साखियां। उस पाठ का शीर्षक है साखियां। तो आप लोग अपने क्षितिज पुस्तक में काव्य, क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड में पाठ एक निकालिए। क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड में पाठ एक, पाठ एक तो नहीं है, पाठ नाइन, काव्य खंड में नाइन से स्टार्ट है, तो नाइन निकालिए। उसमें साखियां एवं शब्द, जो ये पद्य जो है कबीर द्वारा रचित है उनकी है, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। तो इसी पाठ को हम लोग विस्तार से आज पढ़ेंगे, हम भी कुछ सुनाएंगे आप भी सुनाएंगे। तो पहले हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप इसे सुनिए। इसमें कबीरदास जी का सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि कबीरदास जी का जन 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट राजा तालाब के पास हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके माता पिता के बारे में पता नहीं है, पर जैसे छोटे थे राजा तालाब के पास ये अनाथ फेंके हुए मिले थे, जिससे नीरू नीमा नामक दंपति, यानी गृह वही दंपति ने उठा कर ले गए और इनको पालन पोषण किए और इनका नाम कबीर रखे। नीरू नीमा नामक दूल्हा दंपति ने पाला पोसा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कि उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। वे पढ़े लिखे नहीं थे पर उनके पास ज्ञान और अनुभव अपार था। वो जो बोलते थे उसी को काव्य में लिखा गया है, उनके विचारों को, उनको जो भी काव्य पंक्ति बद करते थे उनको लिखा जाता था। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। जब कबीर का जन्म था, जब कबीर बड़े हुए, जब लिखने का कार्य करते, उस समय हमारे समाज में तरह तरह की आडंबर थे, धर्म को लेकर, जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर। तो उन्होंने जो देखते थे उसी पर अपने मुंह से न कर लेखनी के माध्यम से समाज में अपना विचार रखते थे। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उस समय समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, उसमें सुधार की जरूरत थी। सुधार करने के लिए कबीरदास ने अपने लेखनी को उठाया और लेखनी के माध्यम से तरह तरह की साखियां दोहे लिखकर लोगों के बीच अपना विचार रखे थे, ठीक है, और लेखनी के माध्यम से समाज पर तीखा प्रहार किए थे। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कृतियों को विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। कबीर दिखावे में भरोसा नहीं करते थे। कबीर ये कहते थे, ईश्वर सभी के दिलों में है, मंदिर मस्जिद में पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, ईश्वर तो अपने दिलों में है। आप अपने सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान जहां कीजिए वहीं ईश्वर को पाएंगे। इसी विचार में, इसी प्रकार के विचार रखते थे, इसी में उन्हें विश्वास था ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में। चलिए उनका पहला हम जो है साखी पढ़ते हैं। आपको क्लास में भी बताए थे कि सस्वर वाचन करना है या कैसे पढ़ना है, उसी तरह हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुने। मान सरोवरे सुभर जल, हंस अकेली कराही। मान सरोवरे सुभर जल, हंस अकेली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चु गए, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर अब उड़ी अनंत न जाही। प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी न मिले कोई। प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी न मिले ही कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब
सब विषय मारिते होई कबीरा, सब विषय मारिते होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चढ़ारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चटारी। स्वान रूप संसार है, अब भूखन दे झक मारी कबीर, भूखन दे झक मारी। ये सारी जो साखियां हैं, ये समाज के ऊपर कटाक्ष किए हैं, प्रहार किए हैं लेखनी के माध्यम से। वो डायरेक्ट अपने विचार न रहकर लेखनी के माध्यम से, काव्य के माध्यम से समाज में रखे हैं क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। मान सरोवर सुभर जल हंसा खिलिख रहा है, मन मन रूपी जैसे सरोवर तालाब में हंस पाकर, जैसे बड़े सरोवर में हंस जाकर बहुत खुश और प्रसन्न महसूस करता है और चाहता है कि इस सुख का अंत न हो, मैं यही रहूं, इसी में हमारा आनंद है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार मन भी हमारा सरोवर की भांति है। ठीक है, जिस प्रकार हंस हरे तालाब में, बड़ी तालाब में पहुंचकर आनंद का अनुभूति करता है और चाहता है कि इस आनंद का अंत न हो, इस सुख का अंत न हो, मैं इस सुख को छोड़कर कहीं न जाऊं। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, सांसारिक जटिलताओं से लोग छूट जाते हैं, तो मन यही कहता है कि इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं है। जब आपको ईश्वर पर भरोसा हो जाएगा, जब ईश्वर से आपका तालमेल बैठ जाएगा, ईश्वर से आपका प्रेम हो जाएगा, तो आपका मन यही कहेगा कि यहाँ के सिवाय और कहीं सुख नहीं है, ये प्रभु के चरणों में ही सुख है। जिस प्रकार हंस तालाब में जाकर सुख का अनुभव करता है, आप वहां ईश्वर के शरण में जाकर सुख का अनुभव करेंगे। इसका यही है, इस साखी का पहले अर्थ है। यानी इस पंक्ति में कबीरदास ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा पाने की प्रेरणा देते हैं। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी सांसारिक मोह बंधन से छूटने की प्रेरणा देते हैं कि आप इस मोह बंधन से छूटकर आप अलग रहिए। आप सांसारिक बंधन में बंधे रहेंगे तो ईश्वर को भूल जाएंगे, क्योंकि मोह माया अपने तरफ खींचेगी। आप ईश्वर से प्रेम कीजिए, वही सुख है। दूसरा दोहा सुनिए, जो तीन दोहा सुना है तीनों का अर्थ हम बता लेते हैं, तब आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आपसे कुछ सुनेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिर हूं, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेम मिले सब विष अमृत होई। यानी प्रेमी ढूंढ रहे हैं पर प्रेमी इस संसार में कोई नहीं मिल रहा है। आप प्रेमी को ढूंढ रहे हैं पर इस संसार में कोई नहीं प्रेमी मिल रहा है। सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि प्रेम करने वाले उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विश्व अमृत के जैसा हो जाएगा। अगर प्रेम करने वाले प्रेमी का मिलन हो जाए तो सारा विश्व भी अमृत में बदल जाएगा। यानी आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी बुराई दिखाई नहीं देती है। अगर ईश्वर आपसे प्रेम करेंगे, आपको अपना लेंगे, आपकी बुराई भी उनको नहीं दिखेगी। ठीक है, और आप ईश्वर से प्रेम करेंगे और आप अगर ईश्वर आपके साथ थोड़ा सा कभी जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, अगर आ भी जाए तो आपको बुराई नहीं दिखेगी कि ईश्वर हमें क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम जान गए कि उनके सिवा हमारा बनाने वाला कोई नहीं। यही इसमें है कि जिससे प्रेम रहता है उसकी बुराई दिखाई नहीं देती है। इसलिए आप ईश्वर से प्रेम कीजिए। आप प्रेमी ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कोई आपको सच्चा प्रेमी नहीं मिलेगा इस संसार में।
तीसरा है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए सहज दुलीचा डाली। जैसे हाथी पर चढ़ने वाला दुलीचा गद्दा मोटा डाल कर बैठ जाता है कि उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए सहज यानी आसानी से दुलीचा डाल, यानी दुलीचा मतलब क्या होगा, मोटा चीज, दुलीचा में डालकर बैठना यानी कोई गद्दा डालकर बैठना, दुलीचा डालकर बैठना हाथी पर, गद्दा डालकर बैठना। ज्ञान रूप में चढ़ना मतलब आप अपने विचार से ज्ञान को बढ़ाइए, आगे बढ़ने का, ऊंचाई तक जाने का प्रयास कीजिए। इसमें कहेंगे हे मनुष्य तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना लेकिन सहज दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है, यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि ईश्वर, यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। जैसे हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंकाए हजार, बोलते हैं ना। इसलिए आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करके बढ़ना होगा, कुछ अंदाज से कुछ नजरअंदाज से, यानी अहंकार को छोड़ना होगा। इन्हें कोई रोक टोक किया तो आप अकड़ गए, झल्ला गए, गुस्सा गए, जवाब देना तो आपको पक 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 परेशानी मिलेगी, आप उससे लड़ते जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो आपके रास्ता को अवरुद्ध कर देंगे। इसलिए आप कुछ कर दिखाने की जुनून है, आगे बढ़ने की जुनून है, तो छोटी मोटी बातों को त्याग दीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे हाथी चलता है तो कुत्ता भुकने से कोई असर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक नेक इंसान बनकर आगे बढ़ना है तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा। चलिए तो हम आप लोगों से दोहा सुनना चाह रहे हैं, तो बारी बारी से आप लोग दोहा सुनाइए। सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे अमन कुमार से। अमन कुमार आप दोहा सुनाइए। या सर बोले हाँ सर, हाँ सुनाइए। मानसरोवर सुघर जल हम सा तेरी तराई, मुत्ता पर मुत्ता वे अब उड़ी अनतन जाही, रबीरा अब उड़ी अनतन जाही। दूसरा ग्रह सर, ऊंचे कुल राजन मिया जितरनी ऊंच न होई, ऊंचे तुल राजन मिया जितरनी ऊंच न होई, वरन चरस सूर भरा साधु निंदा सोई है तबीरा, साधु निंदा सोई। बहुत अच्छा, अच्छा गाय, अच्छा लगा। चलिए आस्था, अगला बच्चा आस्था। बेटा आप कोई दो दोहा सुनाइए, आपको तो दोहा याद होगा अच्छी तरह, आप सुनाइए। आस्था 9B। आस्था की आवाज लग रहा नहीं आ रही है। आस्था मेरी आवाज आ रही तुम्हारे पास? इतना देर मत करो बेटा, बहुत देर हो गई। चलो इसके बाद अब अभिषेक आर्या। अभिषेक, अभिषेक अभिषेक, उज्जवल कांत। सर बेटा सुनाओ इसको, आप दोहा सुनाओ अपने यस सर, पाठ मतलब साखियां जो है ना उसमें का कोई दोहा सुनाओ, याद है ना? यस सर, हाँ सुनाओ।
हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवत जो दोनहु के निकट न जाही। सी फर्स्ट हो गया, सेकंड है हसी चढ़िए ज्ञान को सहद भुला, दुलीपा डारी स्वान रूपी संसार है, भूकंदे झक मारी कबीरा। सुनाओ तो अच्छी तरह सुनो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई, पाख पाखी के करने सब जग रहा भूलान, निरपक होए के हरी बजे सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। बहुत अच्छा सु, बहुत सुंदर गाया, मन मोह लिया, अच्छा प्रयास रहा, ठीक है, अच्छा लगा मुझे, और थैंक बच्चे यू को सर। सुन सबको अच्छा लगा होगा। हाँ, इसके बाद में है, हाँ क्या है, वैष्णवी, वैष्णवी तो अभी आ रही है, अमन कुमार अग्रवाल। अमन कुमार अग्रवाल, अमन चलिए हम आगे बताते हैं आपको। तीन दोहा का सुनाए थे, अर्थ बताए थे, चौथा दोहे का आप लोगों से सुने। अगला है दोहा कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपक होई, निरपक होई के हरी भजे सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। ये कह रहे कि इस धरती पर आके पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष के कारण, ये हमारे पक्ष में है, हमारे विपक्ष में है, ये मेरे कास्ट के है, मेरे कास्ट के नहीं है, मेरे धर्म के है, मेरे धर्म के नहीं है, पक्षा पक्षी के कारण सब जर रहा भूलान। इस संसार में हम लोग मानव है, लेकिन ये इसी वजह से हम लोग दूसरे के भूले हुए हैं। कह रहे कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, भुला गया है, किसी के पास सारे संसार में पक्ष विपक्ष ऊंच नीच की भेदभाव को लेकर सब भूल गए हैं, किसी के बीच किसी को लिए प्रेम नहीं रहा, किसी में बंधा हुआ है, सब कुछ भूला हुआ है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है, व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर किसी की बात में न आकर अर्थात निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता, ईश्वर भी उसी के पक्ष में रहते हैं। यानी पक्ष विपक्ष की बात छोड़कर जो सच्चे हृदय से सच्चे मन से जो ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं के पक्ष में होते हैं। जो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं के पक्ष में रहते हैं, अर्थात इस संसार में न किसी के पक्ष रहना न किसी के विपक्ष में रहना। आपको किसी के पक्ष और विपक्ष में रहने की जरूरत नहीं है, आपको केवल परमात्मा का भजन करना है, प्रथमा को ध्यान करना है, परमात्मा को ही ध्यान करना है, वही सब कुछ करने को समर्थ है। अगर उनसे आपका प्रेम हो जाए, ये जीवन सुंदर हो जाएगा, और जो ऐसा करता है वही संसार में सज्जन है। वही कह रहा है कि कोई संत सुजान निरपक्ष हो हरि भजे, जो निरपक्ष भाव से हरि को भजन करता है वही संसार में सज्जन है, वही शांत है। यानी पक्ष विपक्ष के झमेले से हटकर जो सच्चे मन से ईश्वर का आराधना करते हैं वही इस संसार में संत है या साधु सज्जन है।
अगला देखिए, इसमें है कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, अब मुसलमान खुदाई, अ कहे कबीर सो जी बता, अ जो दूं के निकटे न जाई, कबीरा जो दूं के निकट न जाई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हिंदू राम 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 कहते कहते कितने लोग चले गए, राम नहीं मिले, मुसलमान खुदाई खुदा खुदा कहते हुए चले गए, पर खुदा किसी से आकर मिले नहीं, बात नहीं किए। ठीक है, कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, जीवता मतलब जीता है, जीवित है, जो राम और रहीम के भेद में नहीं पड़ता। कहे रहीम सो जीवता, उस संसार में वही जीवित है, अमर है, जीवता जो अद्वैत तत्व में देखता है, जो दोनों से हटकर अलग ही भाव में ईश्वर को देखता है। जीवन के सार्थकता में, जीवन का सार्थकता इसी में है। इस दोहे का अर्थ है कि हिंदू राम 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 करते करते चले गए, पर राम नहीं मिले, मुसलमान खुदा 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 अल्लाह कहते चले गए, पर उनसे भी नहीं मिले। जो दोनों को छोड़कर जो सच्चे मन से ईश्वर को याद किया, जो सच्चे मन से अपने बिना चिल्लाए बिना बोले सच्चे मन से ईश्वर को याद किया, वही सच्चा है, वही जीवित है इस संसार में, और ईश्वर भी उन्हीं को प्राप्त है, ईश्वर भी उन्हीं को प्राप्त है, जो सच्चे मन से न राम राम किया, न अल्लाह अल्लाह चिल्लाया, न बोला, मन में आराधना किया, वही जीवित है, ईश्वर उन्हीं में है, उन्हीं के पास है। यानी जीवन सार्थक कब होगा, जब इस भेद से ऊपर उठ जाएंगे। यानी कबीरदास जी हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है कि कैसे संसार में भेजने वाले देवता एक ही है, सबको दुनिया भेजने वाले परमात्मा है, तो यहाँ आकर बंटवारा कैसे कर लिए, दो भगवान कैसे बना दिए, इसी को उल्लेख किया है कि आपने अपनी भावना के अनुसार अपने अपने ईश्वर को बना लिए। अगला दोहा है कि काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, अ मोटे चून मैदा भया, अब बैठी कबीरा जी रे भाई, बैठी कबीरा जी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोटे चून मैदा भया, अब बैठी कबीरा जी रे भाई, बैठी कबीरा जी। कह रहे हैं कि काबा काशी, कह रहे हैं यहां पर कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने वाला काबा काशी हो और या राम रहीम बन जाता है। सब कुछ को छोड़कर मध्यम मार्ग अपना, काबा हुआ काशी और राम ही हो गए रहीम, यानी राम को छोड़िए रहीम को, दो मध्यम मार्ग अपनाइए, काबा और काशी को का भया मतलब क्या हुआ है, काबा काशी में क्या हुआ है, आप आपस में झगड़ते हैं, राम ही भय रहीम, राम ही रहीम दोनों कहीं में अलग अलग कौन है, वही कह रहे हैं कि मध्यम मार्ग को अपनाने को, संप्रदायों की रूढ़िया समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा आटा, कह रहे हैं भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है, भेद करने वाला मोटा जो आटा है, कि मोटा आटा है पतला का आटा है, अभेद ही मैदा बन जाता है, अगर दो तरह से ना हो तो कोई भी तुलना नहीं होगी, जैसे एक मोटा आटा हो एक पतला आटा, तो भेद होगा,
लेकिन दोनों मिलाकर एक ही रहे तो ही मैदा हो जाएगा, तो उसी को अच्छा मानेंगे। करें कि अगर संप्रदाय के आग्रह को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है, काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाते हैं, संप्रदायों की रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। हे कबीरा, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। वही बोल रहे हैं कि कबीरदास अपने को कि हे कबीर, ये भेदभाव से अलग हटकर तुम अभेद रूपी काम पर चलो, अभेद रूपी मैदे को ग्रहण करो। इसलिए हमें इसमें कहकर माने राम रहीम काबा काशी में अभेद बताया गया है, कोई भेद नहीं है, अभेद। दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाइए, ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच ना हो। अब आपका आपका समय समाप्त होने वाला है, तो इसका लास्ट में अर्थ बताकर क्लास 1 मिनट में कट जाएगा। कि कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, जब तक उसका विचार ऊंचा ना हो, व्यक्तित्व ऊंचा ना हो। जैसे सोने के पात्र में मदपान रख देने से अमृत नहीं बन जाता, साधु उसकी निंदा करते हैं। यानी अगर कर्तव्य अच्छा ना हो तो आप निंदा के पात्र हैं। ठीक है, इन्हीं कथन के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय।